नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप रोजगार से जुड़े समाचार से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल जीओवी पीवीटी को जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चले बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। दिसंबर 2022 तक छात्रों को मिलेंगे 8 इंजीनियरिंग और 4 पॉलिटेक्निक कॉलेज। इस फोर लेन के बन जाने से पटना से नेपाल महज 2.5 घंटे दूर। 25 जिलों में अगले 2 दिनों तक प्रचंड लू की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। यहां बनेगा बिहार का पहला गंडक बायोडायवर्सिटी पार्क। उमरान ने अय्यर को किया बोल्ड। कोच स्टेन खुशी के मारे कुर्सी से उछल पड़े। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। विश्व स्तरीय महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र पर्यटकों के लिए हुआ उपलब्ध। विश्व स्तरीय अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त अंतर्राष्ट्रीय महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का आज सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन कर दिया। भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधगया में करीब 145 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण पूरा हो चुका है। महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र की भव्यता देखते ही बनती है। वो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसमें 2 अलग अलग ऑडिटोरियम है, जिसमें 2000 लोगों के लिए बैठने की क्षमता है। इसमें ऑडिटोरियम के साथ ही एक साथ करीब 1000 लोगों के लिए डाइनिंग हॉल सहित वीआईपी लॉज और अन्य सुविधाएं हैं। गया एयरपोर्ट से इस सांस्कृतिक केंद्र की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के कॉन्फ्रेंस आयोजित किए जा सकते हैं। इस सांस्कृतिक केंद्र के बन जाने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। दिसंबर 2022 तक छात्रों को मिलेंगे 8 इंजीनियरिंग और 4 पॉलिटेक्निक कॉलेज। बिहार के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए वर्ष के अंत तक 8 इंजीनियरिंग और 4 पॉलिटेक्निक के कॉलेज की सौगात मिलने वाली है। भवन निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में इन इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए सख्त निर्देश देने को कहा गया है कि इन भवनों का निर्माण हर हाल में तय सीमा में यानी दिसंबर 2022 तक किया जाए। आपको बता दें कि 7 निश्चय के तहत 31 जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जानी है। योजना के प्रभावी होने से लेकर अब 31 में 23 कॉलेज भवनों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। आपको बता दें कि जिन कॉलेजों का निर्माण कार्य चालू है, उसमें शेखपुरा, खगड़िया, समस्तीपुर, शिवहर, कटिहार, बक्सर, आरा और सिवान है, जबकि अरवल, जहानाबाद, पश्चिम चंपारण और भोजपुर में पॉलिटेक्निक भवनों का निर्माण हो रहा है। 25 जिलों में अगले 2 दिनों तक प्रचंड लू की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। धूप की तपिश और गर्म हवाओं ने लोगों का घर से निकलना दूभर कर दिया है। मौसम विभाग ने करीब 25 जिलों में लू को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। यही नहीं, मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अगले 2 दिनों में पड़ने वाली गर्मी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, जो लोगों के लिए परेशानी भी बन सकती है। आने वाले 2 दिनों में अधिकतर जिलों में पछुआ हवा का प्रवाह जारी रहेगा। उत्तर पूर्व बिहार के करीब 13 जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में प्रचंड लू की आशंका है। इस बीच दोपहर के समय का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की आशंका है। इस बीच ही लोगों को खास ख्याल रखना होगा, अगर जरूरत ना हो तो घर से नहीं निकले। इस फोर लेन के बन जाने से पटना से नेपाल महज 2.5 घंटे दूर। बिहार सरकार यात्रियों की राहें सुगम और सरल बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत मणिकपुर साहिबगंज फोरलेन का निर्माण कराया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए जिले में 35 गांव में जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। हालांकि अभी NHAI की तरफ से सिर्फ 9 गांव में जमीन अधिग्रहण का काम किया गया है। भूमि अधिग्रहण के लिए भू अर्जन कार्यालय को 107 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। अगर ये फोर लेन बन जाता है तो इसके बाद पटना से नेपाल सीमा की दूरी घटकर 200 किलोमीटर हो जाएगी। इस दूरी को तय करने में महज 2 से 3 घंटे का वक्त लगेगा। प्रदेश भर में खोले जाएंगे 1302 नए पेट्रोल पंप। प्रदेश भर में कुल 1302 नए पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। इसमें 670 इंडियन ऑयल, 319 हिंदुस्तान पेट्रोलियम और 313 भारत पेट्रोलियम के पंप है। ये सभी पंप राष्ट्रीय राजमार्ग तथा स्टेट हाईवे पर खुलेंगे। इसकी जानकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने पटना हाईकोर्ट में दी है। आपको बता दें कि अभी फिलहाल 781 पेट्रोल पंप काम कर रहे हैं, जबकि 313 नए पेट्रोल पंप खोलने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया गया है। वहीं किसी न किसी कारणवश 107 लंबित पड़े हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। जिस तरह देश में कोरोना के नए वेरिएंट मिले हैं, उससे चौथी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गई है। बिहार में भी कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने की बात भी कह चुकी है। इसके अलावा देश के प्रभावित 7 राज्यों से आने वाले लोगों के रैंडम टेस्टिंग के भी आदेश दिए गए हैं। प्रदेश भर में शादी का सीजन भी चल रहा है, ऐसे में कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका जताई गई है। हालांकि बिहार में हालात पूरी तरह फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है। बाहर से आने वाले लोगों की टेस्टिंग कराने के साथ साथ उनकी ट्रैकिंग करने की भी तैयारी की जा रही है। अभी 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों में नहीं होगा लागू।
नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक का कोर्स 3 से बढ़ाकर 4 वर्ष करने की बात कही गई थी, जो कि इसी साल से लागू होने की उम्मीद थी। लेकिन आपको बता दें कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम कार्यक्रम अभी बिहार के विश्वविद्यालयों में लागू नहीं होंगे। लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत कोर्स में चॉइस बेस्ड क्रेडिट कार्ड सिस्टम यानी कि CBCS अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है। CBCS एक नया ग्रेडिंग सिस्टम है जो अब से सभी स्नातक या उससे अधिक की डिग्री में लागू होगा। जैसे परीक्षा में पहले नंबर दिए जाते थे, लेकिन अब क्रेडिट पॉइंट दिए जाएंगे। आसान भाषा में समझे तो जैसे CBSE के स्कूलों में CGPA को समझते हैं, ठीक इसी प्रकार के नियम को CBCS कहा जाता है। पब्लिक शौचालय की कमी को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई। एक ओर स्वच्छता अभियान पर जोर दिया जाता है, दूसरी ओर पब्लिक टॉयलेट की कमी और उसके रखरखाव में हो रही कमी बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में पटना हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को जवाब तलब किया है। दरअसल महिलाओं के लिए पब्लिक टॉयलेट की कमी को लेकर दायर हुई एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने संजीव कुमार मिश्रा की जनहित याचिका पर पटना नगर निगम और जिला प्रशासन से जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि पटना के कई बड़े चौक चौराहे पर पब्लिक टॉयलेट की कमी है। इस मामले की अगली सुनवाई 13 मई 2022 को की जाएगी। यहां बनेगा बिहार का पहला गंडक बायोडायवर्सिटी पार्क। बिहार के मोतिहारी में बिहार का पहला गंडक बायोडायवर्सिटी पार्क बनने जा रहा है। आपको बता दें कि मोतिहारी मुजफ्फरपुर सीमा पर स्थित मेहसी के भीमलपुर जंगल में बिहार का पहला नदी आधारित गंडक बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा। ये जंगल 302 एकड़ भूमि पर फैला है। इसी के बीच में बूढ़ी गंडक नदी बहती है। इसके साथ ही गंडक बायोडायवर्सिटी पार्क के विकास को गति देने के लिए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव अगले पक्ष में स्थल निरीक्षण करेंगे। यहां गंडक सफारी के माध्यम से नौकायान की सेवा भी विकसित की जाएगी। ये भी एक प्रकार से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल माना जा सकता है। CBSE इंटर मैट्रिक टर्म 2 की परीक्षा के लिए आए नए निर्देश। CBSE ने 10वीं और 12वीं टर्म 2 परीक्षा के लिए विशेष तैयारी की है। इसके तहत एक कमरे में मात्र 18 परीक्षार्थी ही बैठकर परीक्षा देंगे। इससे पहले एक कमरे में 24 परीक्षार्थी को बिठाया जाता था। कोरोना काल में इनकी संख्या 12 कर दी गई थी और अब 18 कर दी गई है। इसके साथ ही परीक्षार्थी अपने स्कूल पोशाक में परीक्षा केंद्र पर जाएंगे। वहीं निजी परीक्षार्थी को हल्के रंग का कपड़ा पहनना होगा। वहीं केंद्र पर बनाए गए कंट्रोल रूम में ही प्रश्न पत्र का लिफाफा खोला जाएगा। इसके अलावा परीक्षा हॉल में बैठे 2 परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर भी लिफाफे पर लिए जाएंगे। मोतिहारी में बनेगा 500 बेड का मेडिकल कॉलेज। बिहार के मोतिहारी जिले में 500 बेड का मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी हो रही है। ये उक्त बातें बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने खुद की है, जिसमें MBBS के छात्रों की पढ़ाई होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मोतिहारी में 600 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा सदन में की गई थी, जिससे संबंधित फाइल पर साइन कर दिया गया है। साथ ही DM को मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन खोजने के लिए भी कहा गया है। दरअसल ये बात स्वास्थ्य मंत्री ने बिहार के पूर्वी चंपारण में पशु आरोग्य मेला में पहुंचने के बाद कही है। CMIE के ताजा आंकड़ों में बिहार ने पाया बेरोजगारी पर काबू। गौरतलब है कि कोरोना काल में ना जाने कितने लोगों का रोजगार छिन गया, जिसके बाद बेरोजगारी दर में वृद्धि देखी गई थी। लेकिन इस साल बिहार में बेरोजगारी दर में कमी आई है। दरअसल इसका खुलासा CMIE के ताजा आंकड़ों में हुआ है। मार्च 2020 में बिहार की बेरोजगारी दर 15.4% थी, जो मार्च 2022 में घटकर 1% कम यानी कि 14.4% पर आ गई है। मार्च 2020 के अंतिम सप्ताह में कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा तो अगले महीने अप्रैल मई में बेरोजगारी दर बिहार में 46% को पार कर गई थी। लेकिन खुशी की बात यही है कि बिहार ने इस पर काबू पाया है। जातीय जनगणना को लेकर कृषि मंत्री ने दिया बड़ा बयान। जातीय जनगणना की चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि जातीय जनगणना केवल राजनीतिक पार्टियों के लिए सियासी एजेंडा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी के नेता जातीय जनगणना के मुद्दे का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए करते हैं। जातीय जनगणना राजनेताओं के लिए एक दुधारू गाय की तरह है, जिसका इस्तेमाल चुनाव के दौरान पिछड़े और ओबीसी जातियों के वोट लेने के लिए किया जाता है। कृषि मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और सभी सियासी पार्टियों के नेता इस बात को जानते हैं कि जातीय जनगणना कभी भी राष्ट्रीय स्तर पर सरकार नहीं कराएगी। सीएम नीतीश कुमार भी इस बात को जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना व्यावहारिक नहीं है, केवल सियासी मुद्दा है। मुख्यमंत्री के इफ्तार पार्टी में शामिल हुए पक्ष और विपक्ष के नेता। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर इफ्तार पार्टी रखी थी। इस दावत में पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से सियासी दिग्गज जुटे। मुख्यमंत्री के दावते इफ्तार में विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, राजद के रामचंद्र पूर्वे, कांग्रेस के शकील अहमद खान, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, भवन निर्माण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी और कई नेता पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने खुद इन सभी का स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि
कोरोना के कारण पिछले दो साल से इसका आयोजन नहीं हो रहा था, इस बार इफ्तार का आयोजन किया गया है। इसमें सभी दल और मजहब के लोग आए हैं, ये मेरे लिए बेहद ही खुशी की बात है। उमरान ने अय्यर को किया बोल्ड, कोच स्टेन खुशी के मारे कुर्सी से उछल पड़े। आईपीएल 2022 का 25वां मुकाबला बेहद ही दिलचस्प था। इस मुकाबले में हैदराबाद और कोलकाता की टीम आमने सामने थी। हैदराबाद के तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने दमदार प्रदर्शन किया। उन्होंने मैच में कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर को अपनी तेज रफ्तार यॉर्कर से क्लीन बोल्ड कर दिया। दरअसल 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर उमरान ने स्टंप की तरफ टारगेट करते हुए 149 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली यॉर्कर फेंक दी। अय्यर जब तक इस गेंद को देख और समझ पाते तब तक उनके स्टंप्स बिखर चुके थे, जिसको देखते ही हैदराबाद टीम के डगआउट में बैठे बॉलिंग कोच डेल स्टेन खुशी के मारे अपनी सीट से ही उछलकर कूदने लगे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है सोनाली सिन्हा, शंकर मुखिया, ओम शंकर सिंह, अमन कुमार, सौरभ मिश्रा, राजेश रंजन, कविता कुमारी, अमन कुमार, अनूप कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना काल 2020 में बढ़ी बेरोजगारी दर में अब कमी आई है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।